अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी ना। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अवस्थ और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज है कि हम नई लोकेशन पर आए हैं जो कि बहुत ही काफ़ी ख़तरनाक लोकेशन है ये, और आज हम इस लोकेशन पे बिगर परमिशन के आए हैं क्योंकि यहाँ की अगर हम चाह के भी परमिशन लेते तो शायद हमें यहाँ की परमिशन नहीं मिलती और हमें आने यहाँ दिया ही नहीं जाता क्योंकि ये लोकेशन बहुत ही ख़तरनाक है। क्योंकि यहाँ पे यहाँ की स्टोरी ये एक खेत है बिल्कुल, जो कि आप देख रहे हो कि सामने फसल भी भाई लगाई हुई है। यहाँ दिन में तो जिसका भी ये खेत है वो लोग भाग आते हैं, लेकिन रात के समय में या सूर्यास्त के पश्चात इस खेत में जो जिसकी ये ज़मीन है वो भी आज तक कभी आया नहीं। क्योंकि यहाँ एक कुआँ है जो कि बहुत ही लोग भाग गाँव में इसको भूतिया कुएँ के नाम से कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक औरत की बहुत ही बेदर्दी से पता नहीं हादसा हुआ या उसको मार दिया गया, ये आज तक क्लियर नहीं हो पाया। और सुनने में आया कि उसकी आत्मा आज भी उस कुएं के आसपास से भटकती है। और इस खेत की एक विशेषता है कि आज तक इस खेत में चौकीदारी की रात को यानी कि कोई नहीं रहता, उसके बावजूद भी कभी यहाँ फसल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही अचंभित कहानी है। तो आज हम आपको उसी कुएं के पास लेके चलेंगे और वहाँ का पूरा व्यू दिखाएंगे, और कुछ भी अगर हमें कैप्चर होता हो या दिखता हो तो बिल्कुल हम दिखाने की कोशिश करेंगे। कैमरे पे हमारे जीतू भाई है और आप देख सकते हो जैसा कि काफ़ी, देखो ये काफ़ी कांटे लगे हुए हैं जो कि पैर में भी लग जाए तो काफ़ी ख़तरनाक ही हो सकते हैं। तो जीतू भाई बहुत थोड़ा सावधानी से आओ और आइए जल्दी। दोस्तों काफ़ी घास वगैरह है तो सांप वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घास है जो कि निकल पाना भी मुश्किल है इसमें से। और ये दोस्तों आप देख सकते हो कि ये फसल लगाई हुई है। जैसे गाइज आप सुन सकते हो कि जंगली जानवरों की जो छोटे मोटे जीव होते हैं उनकी आवाज़ें बिल्कुल आपको इस जंगल से साफ सुनाई दे रही होगी। और ये जो खेत और ये जो कुआ है ये बिल्कुल एक बिल्कुल अकेले एक सुनसान जंगल में है।
जैसा गाइज आप देख सकते हो बिल्कुल पीछे की तरफ, बिल्कुल लोकेशन के हम बिल्कुल नज़दीक हैं, और दूर से भी ये लोकेशन बहुत ही डरावनी सी लग रही है। जी तो भाई एक बार दिखाओ उधर लाइट करके, पहले उधर दिखाओ एक बार। जैसे गाइज आप देख सकते हो कि हम उस लोकेशन पे करीब करीब पहुंच चुके हैं। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा यही वो कुआं है जहां उस औरत के साथ वो हादसा या जो भी हुआ। तो आज देखते हैं कि हमें कुछ यहाँ दिखाई या कुछ एक्टिविटी कुछ है। ये आप सामने देख सकते हो ये है बेर का पेड़ है जो कि काफ़ी बड़ा पेड़ है। यहाँ कौन है? हाँ तो गाइज जैसा कि हम बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं लोकेशन के, यही सामने कुआं। और एक बार जीतू भाई एक बार पूरा कुएं का पूरा व्यू दिखाओ बिल्कुल क्लियर। आ जाओ संभाल के, कुछ आवाज़ आ रही है अंदर से, कुछ आवाज़ आ रही है अंदर से। एक बार दिखाओ अंदर, शायद कबूतर वगैरह हैं। तो एक बार गाइज आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हो, पूरा पानी भरा हुआ है और ये जो सिंचाई करते हैं ये पाइप भी लगे हुए हैं फसल के लिए जो पानी पिलाते हैं। एक बार और पूरा व्यू दिखाते हैं यहाँ का, इधर देखो पीछे की तरफ। पर गाइज काफ़ी डरावना ये कुआ, पक्षियों ने अपने बना रखे हैं यहाँ पे घोंसले। एक बार इधर चारों तरफ का व्यू दिखाओ, एक बार इधर का दिखाओ, देखो इधर जीतू भाई उधर करो एक बार। जीतू भाई गाइस चुप, कुछ है। जीतू भाई थोड़ा आगे लो कैमरा, दिखाओ एक बार क्या है गाइस, कुछ है कोई है, देखो कैमरा में कैप्चर हो रही है शायद है। जैसा गाइस आप देख सकते हो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिख रही है। हेलो कौन है, कोई है, कोई है? जीतू भाई थोड़ा आगे आके पूरा दिखाओ, आगे मैं आ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ कांटे हैं, झाड़ियाँ काफ़ी है। गाइस हेलो कौन, हेलो गाइस, अगर आपको मेरे को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कुछ, हेलो कोई है, कौन है गाइस? जीतू भाई थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करो। और मनोज भाई अगर कोई यहाँ का होता ना तो वो जरूर आ जाता अपने पास में। ये कौन, अरे तो कौन, समझ में नहीं आ रहा, सीधा चल भी नहीं सकते क्योंकि आगे पूरा पैक कर रखा है इधर से। हाँ उधर से चल के दिखावे क्या, उधर उस साइड में एक बार पूरा दिखाओ, एक बार पूरा जूम करके देखो एक बार। हाँ कंटिन्यू चलने दो एक बार। कोई है, देखो मनोज भाई कोई है, देखो इधर आओ एक बार, इधर आओ, देखो कौन हो आप,
आप कौन हो? मनोज भाई। हाँ मनोज भाई, देखो इधर एक बार आके पास में, ये कैमरे में बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। जीतू भाई अपन ऐसे करते हैं, उस वापस जिधर से आए थे ना उस रास्ते से चल के उधर देखते हैं कौन क्या है। मनोज खतरा हो सकता है, अगर यहाँ का कोई होता ना तो बिल्कुल पास में आ जाता। ये मुझे कुछ बिल्कुल एक्टिविटी दिख रही है, कुछ ये कोई एक्टिविटी है। कोई नहीं, जो भी है होगा। जो आप देखो कैमरे में बिल्कुल क्लीन, देखो देखो वाइब्रेट वाइब्रेट हो रहा है बिल्कुल उस परछाई के ऊपर। अब जो कोई भी है कोई दिक्कत नहीं, पूरा देखेंगे एक बार। हाँ यहाँ से निकलते हो, पहले उधर उधर चल के देखने की कोशिश करते हैं। हाँ तो इधर से चलते, लेकिन रास्ता भी नहीं, इधर तो बंद है, उधर से चलना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी अभी भी है। देखो कैमरे के अंदर बिल्कुल बिल्कुल क्लीन दिख रहा है बिल्कुल। वो आगे की तरफ जा रहा है यार, लेकिन तो उधर से चलो वापस चले। जीतू अभी भी है, अभी भी दिख रहा है। बताओ फुर्ती से चलो जीतू भाई, फुर्ती से आ जाओ इधर, फुर्ती से चलो वहाँ। आ जाओ फुर्ती से करो, आ जाओ चलो चलो। रुको रुको रुको, एक सेकेंड आराम से, देखो रुको एक सेकेंड, आ जाओ आराम से आना। देखो आ जाओ फुर्ती से आओ, फुर्ती से आओ। हाँ तो गाइस जैसा आपने देखा अभी बिल्कुल कैमरे में साफ कैप्चर हो रही थी, लेकिन गाइस उधर से वो रास्ता पूरा ब्लॉक कर रखा था, चक्कर में हमें इधर से जाकर देखना पड़ेगा। और ये जल्दी आओ,